एक दिन किसान ने चारों बेटों को अपने पास बुलाकर कहा कि बेटा खेत किया। हेलो दोस्तों, उर्मी लाइफ मुंबई में आपका स्वागत करते हैं। आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं किसान की हिंदी कहानी, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो के साथ बने रहिएगा। न्यू आए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। किसान के चार बेटे थे। किसान बहुत मेहनती था, लेकिन उसके चारों बेटे बहुत ही निकम्मे, पूरा दिन घर में रहते थे, खा पी के सो जाते थे। एक दिन इसके पापा को विचार आया कि चारों बेटे कुछ काम के नहीं है, करे तो अब क्या करे, मैं भी बूढ़ा होता जा रहा हूँ। एक दिन किसान ने चारों बेटों को अपने पास बुलाकर कहा कि बेटा खेत के अंदर मैंने ढेर सारा धन छुपा के रखा है, आज चारों भाइयों को मिलके वहां पर जाना होगा और पूरे खेत की खुदाई करनी होगी। किसान ने कहा कि खेत के अंदर जितना भी धन निकलेगा मेरे पास लेके आना, मैं आप चारों भाइयों को बांट के दे दूंगा। चारों भाई बहुत ही खुश हो गए और खेत में जाने लगे। चारों भाई ने मिलके पूरे खेत की खुदाई कर दी, लेकिन कहीं पर भी धन नहीं मिला। गुस्से में आके चारों भाई घर पर लौट आए और पिताजी को कहने लगे कि पिताजी, हमने पूरे खेत की खुदाई कर दी, लेकिन कहीं पर भी धन का टुकड़ा भी नहीं मिला है। पिताजी जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे, बेटा आपने मेहनत की है तो उसका फल भी आपको जरूर मिलेगा। पिताजी मार्केट जाके ढेर सारे गेहूं लेके आए और चारों बेटों के हाथ में गेहूं का बीज दे दिया और बोला कि बेटा इस बीज को आपको जमीन के अंदर बो देना है। चारों बेटे वापस खेत के अंदर गए और जितने भी गेहूं के बीज दिए थे वो सारे बो दिए थे खेत के अंदर। किसान के चारों बेटों ने रात दिन एक करके खेत में बहुत मेहनत की। 3 से 4 महीने के अंदर ही उनके घर में ढेर सारे गेहूं आ चुके थे, ढेर सारा धन आ चुका था। ये देख के किसान भी बहुत खुश होने लगा। चारों बेटों को अपने पास बुला के कहा कि बेटा आपने मेहनत की है, उसका फल भी आपके सामने आ चुका है, देखिए आपके पास ढेर सारा धन है। तभी बेटों की आंखें खुली और कहने लगी कि पापा, हम ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे, बिल्कुल भी आलस नहीं करेंगे और ऐसे ही धन कमाते रहेंगे। तो दोस्तों, इस कहानी का यही शीर्षक है कि घर पे आलस करके बैठ जाएंगे तो कभी हमारा नसीब नहीं खुलेगा। हमेशा मेहनत करते रहिए, काम करते रहिए, तो आपका एक ना एक दिन नसीब जरूर खुलेगा, आपका नसीब साथ देगा और आप एकदम पैसे वाले हो जाएंगे, धनवान हो जाएंगे। तो चलो दोस्तों, ऐसी अच्छी कहानी या वीडियो के साथ मिलेंगे। बाय बाय।